स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है सीट साइंस। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, पर आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमें ट्रिक से हम सीट के साइज को याद करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ट्रिम साइज लेते हैं, तो ट्रिम साइज के केस में क्या होता है, याद करने का एक मेथड है ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच 8 नंबर पे आता है, तो हम यहां पर लेते हैं एच डी। डी कितने पे आता है, ए बी सी डी 4 नंबर पे आता है, उसके बाद हम यहां पर लेते हैं ए। ये ट्रिक है छोटी सी याद करने की। और सामने ले लेते हैं हम 2030, कितना ले लेते हैं 2030। अब ये क्या है, इसके मेथड पे सारे हमें शीट साइज जो 6 टाइप्स के होते हैं वो हमें याद हो जाएंगे। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 नंबर पे आता है, तो सबसे पहले ए 0, ए 0 के लिए हम काम कर रहे हैं। ए 0 जो होगी 8 4 1 होता है इनटू, अब जो ये है क्या है 2030, इसमें से हम डिवाइड माइनस करते हैं कितना 841। अगर इसमें से हम माइनस करते हैं 841 तो 1189 1189 आएगा इस सीट का साइज। यहां तक ये बस आपको अगर ये याद है, इतना कॉन्सेप्ट याद है, तो इसके बेस पे आंसर और भी अच्छा याद हो जाएगा। इसमें से HDA का मतलब क्या है 841, 2030 ये ट्रिक है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं 2030 में से माइनस कर देते हैं, 841 माइनस करते हैं, तो हमारे सामने आंसर आता है 1189, यानी कि A0 सीट ट्रिम सीट का साइज। ये ट्रिम की बात कर रहे हैं, ट्रिम का, इनको हम ट्रिम्ड बोलते हैं, तो ये हो गया। अगला क्या है, अगले केस में हम क्या करेंगे 1189 जो है हम रफ काम के लिए यहां पर ले लेंगे। अब सबसे पहले ये जो है यहां आ जाएगा 841। अगली ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1189 है, 1189 इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका हाफ कर देंगे। अब हाफ करने का आंसर क्या आता है 594 पॉइंट समथिंग, जो भी कुछ होगा, जो भी पॉइंट है हमें उससे मैटर नहीं है, हमारा क्या है 594 है, तो यहां पर हो गया 594, यानी कि A1, A1 का साइज ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम ये लिख सकते हैं सामने 594, और A2 के लिए हम काम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने 1189 का हाफ किया, अब हम करेंगे किसका हाफ करेंगे, अब हम करेंगे 841 का, 841 का फिर हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, तो फिर यहां पर आंसर आएगा 420 समथिंग। अब हमें पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उससे मैटर नहीं है, यानी कि यहां पर क्या होगा 420, ये आ गया। सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहां पर ये 420 यहां पर लिख लेते हैं, और A3 का साइज अब ये कितना है हमें नहीं पता, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे 594 को हम जैसे डिवाइड करते हैं 2 से, हर केस में 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो यहां पर आएगा 297, ठीक है। तो ये हो गया 297 इंटू 420। A4 के लिए अब हम फिर वापस वही करेंगे, ये 297 यहां आ जाएगा, और अब हम 420 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 420 का आंसर आता है 210 समथिंग। 420 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो समथिंग आंसर आएगा 210, तो यहां पर हो जाएगा 210, और ये 210 यहां पर आ जाएगा। A5 के लिए बात करेंगे, 210 का फिर हम क्या करेंगे, यानी कि यहां पर हो जाएगा 297 को 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 148 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में हमें वैल्यू चाहिए नहीं, तो यहां पर ये हो गया 148, ठीक है। अब ये वाला यहां है, यानी कि आप ये देखिए, अगर एक हमें सिर्फ ये याद है HDA-2030 याद है, तो उसके बाद पहले में हमें माइनस करना है, सिर्फ पहले में हमें क्या करना है 2030 को 841 से हमें ये माइनस कर देना है, जिससे 1189 आएगा, यानी कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं हम A0 के लिए। फिर ये वाला A1 A2 A3 A4 A5, यहां पर हमें इसको याद करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका यह है कि हर पार्ट को 2 से डिवाइड करते जाएं, आपके सामने ट्रिम साइज आ जाएगा। इसी प्रकार अनट्रिम का भी है, उसके केस में थोड़ा सा चेंज है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।